कृष्ण बलराम को नहीं भेजे, तब तक भगवान कन्हैया बलराम के साथ आए, आकर के अक्रूर को प्रणाम किया और बोले चाचा जी कैसे आए। अक्रूर बोले हम तुम्हें लेने के लिए आए, कंस ने तुम्हें मथुरा में बुलाया। भगवान बोले कोई बात नहीं चाचा जी, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। इसी बीच में ये डॉक्टर ब्रजनंदन यादव ये माला पहना करके सम्मानित कर रही है और सभी स्टाफ को सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आवाज सुन रहे हो भैया, बार बार बोलना पड़ता है, आप एक ही बार में आ जाया करो। श्री होरीलाल विनोद संतोष सत्य प्रकाश वीर सिंह कुलदीप पप्पू मास्टर अनुज मोनू शिवम विशाल विनय, आवाज सुन रहे हो तो भैया जल्दी आ जाओ। भगवान कन्हैया ने अक्रूर से कहा चाचा जी हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे अगर मेरे मामा ने बुलाया है तो। यशोदा ने कहा लाला तू कैसी बातें कर रहा है, अरे मैंने कभी भी तुझे खुद से अलग नहीं किया और आज तू हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चला जाएगा, हम नहीं जाने देंगे। तब भगवान ने कहा मैया चिंता ना करो, हम आज जाएंगे कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, काहे परेशान हो, हम परसों ही आ जाएंगे, दो दिन की तो बात है। मैया बोली लाला हम तो एक मिनट के लिए दूर नहीं करते, पल के लिए दूर नहीं करते और तू दो दिन की बात कर रहा है, कैसे रहेंगे तेरे बिना। भगवान बोले मैया मेरी हाथ जोड़ के विनती है मैं चलो जान दे, अगर मेरे मामा ने हमें बुलाया तो मामा की नगरी देख आए मैं चलो जान दे। यशोदा को समझाया, नंद को समझाया, रात ही रात खबर फैल गई वृंदावन में कि कन्हैया छोड़ करके वृंदावन मथुरा जा रहे। सवेरा हुआ भगवान ने बलराम को साथ लिया, बाबा नंद से कहा बाबा आप भी चलो मेरे साथ, नंद चलने के लिए तैयार हुए। भगवान के जो खास खास सखा रहे उनको भगवान ने साथ लिया, भगवान चले। अब रथ पर जैसे ही चढ़े मैया से कह दिया मैया परसों वापस आ जाएंगे, मैया तो आस लगाए कि मेरे लाला परसों वापस आ जाएगो। अब भगवान रथ पर सवार हुए, रथ जैसे ही चला वृंदावन की जितनी गोपियां रहे सबने रथ को घेर लिया, सामने खड़ी हो गई। भगवान बोले हट जाओ सामने से, गोपियां बोली नहीं हटेंगे कन्हैया, हमने तुमसे प्रेम किया इसलिए नहीं किया कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हमें न छोड़ के जाओ मर जाएंगे तुम्हारे बिना, जीवित नहीं रह पाएंगे, रो रही हैं गोपियां। भगवान बोले रथ के सामने से हट जाओ, गोपियां बोली ये रथ तभी हटेगा जब मेरे ऊपर से निकलेगा, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। भगवान समझा रहे गोपियों को तुम परेशान ना हो, आज जा रहे हैं हम और कल परसों वापस आ जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे परसों लौट आएंगे, क्यों परेशान हो रही है। गोपियों को समझा रहे भगवान, समझ रही है गोपियों, तो गोपियों ने बात कही कन्हैया से सुनो कि जा रहे हो ओ का